जय जिनेन्द्र, मैं काव्या जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। गच्छाधिपति श्रुद्धर पंडित रतन पूज्य श्री निशांत मुनि जी महाराज ठाणे 3 एवं पूजनीय श्री पुष्पा जी महाराज ठाणे 4 SS जैन सभा सुंदरनगर में विराजमान है, जिनके प्रवचन रोज सुबह 8:15 से 9:30 तक चलते हैं। आप सभी से निवेदन है कि समय से पहुंचकर प्रवचनों का लाभ लें। गच्छाधिपति श्रुद्धर पंडित रतन पूज्य श्री निशांत मुनि जी महाराज ठाणे 3 एवं पूजनीय श्री पुष्पा जी महाराज ठाणे 4 SS जैन सभा सुंदरनगर में विराजमान है, जिनके प्रवचन रोज सुबह 8:15 से 9:30 तक चलते हैं। आप सभी से निवेदन है कि समय से पहुंचकर प्रवचनों का लाभ लें। SS जैन सभा सुंदरनगर कमेटी ने सभी भगतगणों से निवेदन किया है कि 20 मई को आयमविल का आयोजन करवाया जा रहा है। इस बार के लाभार्थी परिवार छोटे लाल सुरेंद्र कुमार जैन जी हैं। आप सभी से निवेदन है कि रविवार को 12:30 से 1:30 तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समय से पहुंचकर इस कार्यक्रम का लाभ लें। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवजायानम, नमो लोए सब साहूनम, एसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो मंगलानंच सवे सिंह परमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र जी सभी को, मेरा नाम शिल्पी जैन है और मैं SS जैन सभा सुंदर नगर की ओर से बोल रही हूँ। यहाँ पर पूज्य श्री निशांत मुनि जी महाराज साहब ठाणा 3 और माँ साध्वी जी पूज्य श्री पुष्पा जी महाराज ठाणा 4 विराजमान है। यहाँ सुबह का प्रवचन का समय 8:15 से 9:30 तक का है। सभी आए और धर्म प्रवचन का लाभ लें। इसके अलावा यहाँ पर कल रविवार का दिन है और 20 तारीख है और पुण्य नक्षत्र की आयंबिल तप का आयोजन किया गया है और ये छोटे लाल परिवार सुरिंदर जी जैन की तरफ से इनका इस आयंबिल तप का आयोजन है और सभी आकर अपने आत्म कल्याण का और तप का लाभ लें। और समय है 12:30 से 1:30 था। सभी को जय जिनेन्द्र। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ रविंदर सराना की रिपोर्ट। सुंदरनगर जैन कम्युनिटी सेंटर में हर महीने आयविल का आयोजन श्री शांतिनाथ जैन कमेटी की तरफ से समूह आयविल का आयोजन होता है। सुंदरनगर जैन कम्युनिटी सेंटर में हर महीने आयविल का आयोजन श्री शांतिनाथ जैन कमेटी की तरफ से समूह आयविल का आयोजन होता है। उसी लड़ी के तहत शनिवार 19 मई को यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया, जिसके लाभार्थी परिवार श्री केवल चंद जैन परिवार एवं इस परिवारों के सभी सदस्य हैं एवं श्रीमती शीला रानी जैन धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री बलदेव राज जी एवं उनके समूह पारिवारिक लोगों की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जय जिनेश्वर देव की। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हर महीने यहाँ सुंदरनगर क्षेत्र में श्री शांतिनाथ जैन मंदिर कमेटी की ओर से यहाँ पर सामूहिक आयंबिल का आयोजन होता है और आज 19 मई शनिवार पंचमी को यहाँ पर सामूहिक आयंबिल का आयोजन किया गया और बहुत अच्छी संख्या में लोगों ने यहाँ पर आयंबिल करके तपस्या की। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए उनके तप की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं और इसके साथ साथ आज के जो लाभार्थी परिवार हैं, आगे जो लाभ है वो एक परिवार लेता था, लेकिन हमारे पास ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जो करवाने वालों के नाम हैं बहुत अच्छी संख्या में आ रहे हैं, इसलिए हमने हर महीने दो दो नाम ऐड करने शुरू कर दिए हैं और आज के इस लाभार्थी परिवार जो हैं श्री केवल चंद, नरेंद्र कुमार, राजीव कुमार, संजीव कुमार जैन परिवार, मुनहानी परिवार और इसके साथ साथ श्रीमती शीला रानी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बलदेव राज जी पट्टी वाले परिवार, श्रीमती श्री अमृतलाल जी, रजनीश जैन जी, दिनेश जैन जी पट्टी वाले परिवार, उन्होंने आज का ये लाभ लिया है। तो हम लाभार्थी परिवारों की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं और एक और आज हम प्रसन्नता का विषय आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर 2 साल से निरंतर हम सामूहिक आयंबिल का आयोजन करते हैं, हमारी एक और जो है परिवार साथ में ऐड हुआ है, श्री संघ होशियारपुर। हमें बहुत खुशी का बहुत प्रसन्नता है कि हमारा आज परिवार बड़ा है। वहाँ पर भी होशियारपुर में भी आज के ही दिन वहाँ पर भी आयंबिल करवाए जा रहे हैं। हम उस श्री संघ के भी जितने भी करवाने वाले हमारे सहयोगी हैं,
हम उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जिस दिन यहाँ पर भी आइम्बिल होंगे वहाँ पर भी वो आइम्बिल वहाँ पर करवाएंगे संघ में, तो हम उसकी एक बार फिर अनुमोदना करते हैं। इसके साथ साथ और भी उत्तरी भारत के जितने भी श्री संघ हैं हम उनको आमंत्रण करते हैं कि वो हम हमारे परिवार के साथ जुड़ें और इस आइम्बिल तप के आयोजन में बहुत लाभ लेते हुए जो हम इस संख्या को और बढ़ाएं, हर क्षेत्र में बढ़ाएं। आइम्बिल की जो तपस्या है बहुत एक कष्ट निवारक है और पुण्योपार्जन करती है, तो हम एक बार फिर हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ साथ जो एक हमारे धार्मिक चैनल जो है आत्मा चैनल, जो हम कह सकते हैं हमारा अपना ही एक चैनल है, उन्होंने हमें इतना प्यार देते हैं, हमारी हर महीने जो है इस आयोजन की कवरेज करते हैं, उनके MD को भी विनोद जैन जी, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही इसका प्रचार प्रसार होता रहे, हम बहुत बहुत अगेन धन्यवाद करते हैं। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ रविंदर सराना की रिपोर्ट। अमृतसर के द टच क्लिनिक में मोहाली क्लिनिक की जानी मानी IVF विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति जिंदल की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें डॉक्टर प्रीति जिंदल ने बताया कि चिकित्सा विज्ञान की नवीनतम तकनीक प्रीम अप्लाइटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग PGS जन्मजात दोषों से मुक्त सेहतमंद बच्चे सुनिश्चित करती है। अमृतसर के द टच क्लिनिक में मोहाली क्लिनिक की जानी मानी IVF विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति जिंदल की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें डॉक्टर प्रीति जिंदल ने बताया कि चिकित्सा विज्ञान की नवीनतम तकनीक प्रीम अप्लाइटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग PGS जन्मजात दोषों से मुक्त सेहतमंद बच्चों को सुनिश्चित करती है। उत्तर भारत में यह तकनीक मोहाली स्थित द टच क्लिनिक के पास ही है। डॉक्टर प्रीति जिंदल ने बताया कि इसके जरिए निसंतान दंपत्ति फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली के अलावा समूचे उत्तर भारत में यह सुविधा सिर्फ उनकी क्लिनिक में ही मौजूद है। जिंदल सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डायरेक्टर द टच क्लिनिक बेस्टेक बिजनेस टावर मोहाली। मैं नॉर्थ इंडिया में हम पहली बार एक टेक्निक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है PGS प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग। ये उन कपल्स के लिए है जो IVF कराते हैं पर सक्सेस नहीं हो पाता। इसके नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ ऑफ दिल्ली पहली बार हमारे सेंटर पे हो रहा है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सोशली भी लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिससे कि एबनॉर्मल बेबीज ना हो। इसमें जो एम्ब्रियो बनता है टेस्ट ट्यूब बेबी में उसकी जांच की जाती है और स्पेन बाहर भेजा जाता है, इंडिया के बाहर। उससे हमें ये पता चल जाता है कि वो बच्चा एबनॉर्मल है कि नॉर्मल, और वो ये प्रेगनेंसी होने से पहले टेस्ट ट्यूब बेबी, जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जा रहे हैं तो उसमें जब भ्रूण को ट्रांसफ़र करने से पहले पता चलता है, क्योंकि उससे लेज़र से बायोप्सी करते हैं और पता चल जाता है कौन सा एम्ब्रियो या भ्रूण नॉर्मल है कौन सा एबनॉर्मल है। जो एबनॉर्मल है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, जो नॉर्मल है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि IVF का सक्सेस रेट 50% या उससे ज़्यादा हो जाता है। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। श्री श्री रवि शंकर जी का पहला रिटेल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का आउटलेट शोरूम खुला लुधियाना के BRS नगर में। श्री श्री रवि शंकर जी का पहला रिटेल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का आउटलेट शोरूम खुला लुधियाना के BRS नगर में। अब आपको एक ही छत के नीचे सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ पत्रकारों से बात करते हुए आउटलेट सेंटर के मालिक ने बताया कि इस तरह के 200 से अधिक आउटलेट पूरे पंजाब में खोले जाएंगे और जिनमें डॉक्टरों की भी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगे। श्री श्री रविशंकर जी की जी आयुर्वेदिक चेन है वह श्री श्री तत्वा का यह पहला रिटेल मॉडल आउटलेट लुधियाना BRS नगर के खुलिया है। ये असी सारे फ्रेंचाइजिज़ के अंडर आ रहे हैं, जिस कोई भी सब फ्रेंचाइजी इतने लै सकता है, जिस सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल ने, जिमें पोल्यूशन जिमें बॉडीज़ के बुरा हाल हो चुका है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स उन्होंने बॉडी में बचा एक कला एक तरीका रह गए हैं। तो दूजा ये जो छोटी छोटी दुकाना भी है, कोई छत के थले सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अवेलेबल ने, चाहे वह मेडिसन्स है चाहे पल्सिस ने मसाले ने, सारे ऑरगेनिक आइटम्स अवेलेबल ने। यह पहला मॉडल आउटलेट है। इस वक्त तकरीबन 200 पंजाब मॉडल आउटलेट होर शीशे तत्वा के होर खुले ने, जिसे डॉक्टर्स भी बैठेंगे, डॉक्टर्स थोड़ी बीमारियों का इलाज करेंगे, थोड़ी मेडिसन्स वगैरह सारा तुम प्रिस्क्राइब करेंगे। एंड दिस इज ऑल अस यही कह सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।
लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ रविंदर सराना की रिपोर्ट। अभी रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बाकी के समाचारों के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आइए बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। लुधियाना के लकी वेंसडे में कूल कूल ठंडा ठंडा पानी नाम की थीम पर पार्टी का किया गया आयोजन। इस पार्टी में महिलाओं ने डांस फ्लोर पर डांस किया और अपने जलवे बिखेरे। लुधियाना के माल रोड स्थित लकी वेडनेसडे रेस्टोरेंट की ओर से लेडीज डांस पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की जानी मानी महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर महिलाओं ने हिंदी पंजाबी गीतों की धुन पर जमकर डांस किया। इस अवसर पर शनाइडा मीना मल्होत्रा, गुरजीत कौर, रुचि कौर बावा, मोनिका ओब्रॉय, नीतू खालसा, प्रियंका चोपड़ा, रूबी टक्कर, रीना तलवार, कीर्ति ग्रोवर, निहारिका वर्मा व संदीप के अलावा कई महिलाओं ने इस डांस पार्टी में जमकर मस्ती की। मेरा नाम मोनिका बोरा है और फ्राइडे शुरू हो गया, वीकेंड आ गया और हम लोगों ने अभी से अपना एंजॉयमेंट स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आज हम लकी वेडनेसडे में आए हैं, यहाँ बहुत अच्छा एंटरटेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। हम लोगों के लिए लेडीज डांस पार्टी रखी गई है और श्रेडा जी हर बार बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं और बहुत visited India from Melbourne. I'm really enjoying the whole scenario over here. It's really beautiful party. I'm really enjoying the drinks, everything, the dance party. It's really very well organized. मैं रुचि कौर बाबा, आज कूल कूल ठंडा ठंडा डांस पार्टी थे लकी वेडनेसडे थे आया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी अच्छी लेडीज, सोनिया सोनिया लेडीज डांस फ्लोर पे हैं, इंजॉय कर रही हैं अपने बिजी शेड्यूल तो टाइम काट के अपने बच्चों को देखने के बाद शाम की किटी पार्टी से बीच इतने यह भी एक माहौल है कि सिर्फ गॉसिपिंग किटी से बीच नहीं चलता बट डांस पार्टी अपनी एंजॉयली भी अपनी किटीज कर दिया है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द लेडीज ऑफ लुधियाना टू ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ पार्टीज, डू एंजॉय योर सेल्फ बिकॉज लाइफ इज वेरी शॉर्ट। स्पेशल मैंने पार्टी अरेंज की है, मैंने कहा इसका थीम थोड़ा डिफरेंट रखूँ, दैट इज़ ठंडा ठंडा कूल कूल। सो इसमें मैंने आइस का बहुत अच्छा अरेंज किया है, ठीक है ना, और सारे कुछ सारी डिशेस में सारी ड्रिंक्स में मैंने बर्फ़ बहुत डाल ली है, जो गर्म है वो तो गर्म ही है, तो मैंने सोचा चलो समर्स में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, दैट्स वाई आई पुट द पार्टी और एवरीवन इज एंजॉयिंग अ लॉट ओवर देयर एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू एवरीवन। लुधियाना से बलवीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। रियासती शहर नाभा में दूध और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स की मिलावट का धंधा जोरों पर है, जिसकी भनक जब सेहत विभाग को मिली तो सेहत विभाग की टीम ने हीरा महल में अचानक चेकिंग कर 3 डायरियों से 5 सैंपल भरे। जिक्र योग है कि सेहत विभाग की चेकिंग की खबर सुनते ही बहुत सी डेयरी वाले अपनी दुकानों को ताले लगा रफू चक्कर हो गए, जिससे साफ है कि दाल में कुछ काला जरूर है और नकली दूध का धंधा चल रहा है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ज्यादातर डेयरी वालों ने दुकान के बाहर कोई रेट लिस्ट नहीं लगाई, यह सारा कारोबार सेहत विभाग की आंखों में धूल झोंक छिपकर चलाया जा रहा है। सेहत विभाग की टीम ने हीरा महल स्थित खान डेयरी और बिन नाम से चलाई जा रही डेयरियों से सैंपल भरे। 2 मई नूं अखबार दे विच खबर लगी सी, लोकां ने मंग पत्र दिता म्युनिसिपल कमिश्नर नूं कि नाभे दे विच बहुत नकली समान विक रहा, उहदे संबंध विच असीं अज इत्थे आ के रेड कीती है। 3 डेयरिया के सैंपल लए ने, फिलहाल अजे तक 5 सैंपल लए ने, होर जे कंटिन्यू रखा जो सू मिलेंगे होर लवेंगे। अपने लैवल से भी चैकिंग करते हैं असं, अजे परसों पातड़ा की है, उसे भी कोई अखबार कोई शिकायत नहीं सी, अपने लैवल से भी करते रहने, पर जे कोई खबर इदा आ जाती है जो शिकायत आ जाती है उसे प्रायोरिटी बेस से किया जाता। यदि एग्जैक्ट पूरी असं सही फिगर तो दसते भी किन्ने ने, पर सूँ पता लग्या कि इतने बहुत बंदे जोड़े करते हैं, नाल के पिंड भी करते हैं, वो पिंड भी रेड करांगे सारे। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी सैंपल विभाग का, तो भरने भी चाहिए ने सैंपल, बल्कि महीने बाद भरने चाहिए ने, कम ठीक करे हरेक बंदा, तो असी बड़ा खुश होकर सैंपल दिता जी, भी सारे चैकिंग होनी चाहिए आ, सही काम करो। 6 बंदे आए ने जी, हाँ जी हाँ होंगी रही है, पहला साढ़े 6 महीने पहला हुई है जी। नाभा से राजेश बजाज की रिपोर्ट। लुधियाना के महाराजा रिजेंसी में करवाई गई वेड़ा शगना का एग्जीबिशन, इस मौके पर एक ही छत के नीचे अलग अलग ब्रांड की चीजें लोगों को देखने को मिली।
लुधियाना के महाराजा रेजेंसी में करवाई गई वेड़ा शगना का एग्जीबिशन। इस मौके पर एक ही छत के नीचे अलग अलग ब्रांड की चीजें लोगों को देखने को मिली। कपड़े, कॉस्मेटिक बैग आदि प्रोडक्ट्स भी लोगों को देखने को मिले। 50 से ज्यादा स्टॉल की गई थी व्यवस्था। लुधियाना वासियों ने बढ़ चढ़ कर इस एग्जीबिशन का लाभ लिया। हेलो, आई एम जस्ट मायरा और ब्रांड नेम इज मुटियार। वेलकम लुधियाना अगेन। वी आर अगेन बैक विद अ न्यू समर कलेक्शन, ऑल इन पेस्टल कलर्स एंड डिफरेंट फैब्रिक्स। वी हैव डिफरेंट रेंज ऑफ एम्ब्रॉयडरीज ऑन चंदेरी एंड कॉटन, होपफुली लुकिंग वेल रिस्पॉन्स। वी आर हैविंग टू डेज एग्जीबिशन इन महाराजा, तो वेटिंग ईगरली फॉर योर फुटफॉल। थैंक यू। हाई, आज हम वेड़ा शगना दी एग्जीबिशन में हैं जो करी गई है बाय विजन्स इवेंट एंड बाय निधि डिंगरा। एंड इट्स अ वंडरफुल एग्जीबिशन फॉर टू डेज, 19th एंड 20th ऑफ मे एट महाराजा रेजेंसी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कम एंड विजिट द एग्जीबिशन, इट्स अ वंडरफुल वन। एंड मायसेल्फ दीक्षा कालरा, इनकी मैंने पर्सनल इनकी सारी ब्रांडिंग प्रमोशन संभाली है एंड वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स सिंस मॉर्निंग। सुबह से ही हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा क्राउड है, बहुत अच्छा रश है। वी आर हैविंग 60+ स्टॉल्स हेयर, सब डिफरेंट फुटवेयर, फूड आइटम्स, क्लोदिंग ब्रांड्स, गुड ब्रांड्स आर हेयर। वी हैव स्पॉन्सर्स फ्रॉम पवेलियन मॉल एज वेल, सो प्लीज़ डू कम एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेज ऑल्सो, बिकॉज वी आर हैविंग वेरी गुड इवेंट्स गोइंग ऑन इन ऑन द स्पॉट लाइक फॉर बेस्ट ड्रेसअप एंड। तो अपना बेस्ट तैयार होके आइए एंड एन्जॉय द शॉपिंग। एग्जीबिशन है, दीक्षा मैम ने बहुत ही अच्छी ब्रांडिंग की है एंड प्रमोशन भी बहुत अच्छी की है। सिंस मॉर्निंग फुटफॉल बहुत ही ज़्यादा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है एंड थैंक यू दीक्षा मैम फॉर इनवाइटिंग। एंड मुझे गिफ्ट भी मिला है फॉर द, जैसे दीक्षा मैम ने बोला है कि यहाँ पे कॉन्टेस्ट चल रहा है, मुझे गिफ्ट भी मिला है फॉर द कॉन्टेस्ट बाय एसकी पेरिस। आई वेलकम ऑल द लुधियानवीज एग्जीबिशन इन महाराजा रेजेंसी ऑन 19th एंड 20th ऑफ मे, वेड़ा शगना दा, डू विजिट। लुधियाना से कैमरामैन हनी के साथ अरविंदर सराना की रिपोर्ट। लुधियाना के महाराजा रेजेंसी में बार एसोसिएशन द्वारा करवाया गया एक सेमिनार। इस सेमिनार में टैक्स को लेकर, वैट को लेकर और इस प्रकार की कई समस्याओं को लेकर लोगों ने एवं वकीलों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। लुधियाना के महाराजा रेजेंसी में बार एसोसिएशन लुधियाना द्वारा करवाया गया एक सेमिनार। इस सेमिनार में टैक्स को लेकर, वैट को लेकर और इस प्रकार की कई समस्याओं को लेकर लोगों ने एवं वकीलों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस सेमिनार में चंडीगढ़ हाई कोर्ट और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से वकील और कई और गणमान्य शख्सियत भी शामिल थे। मैं इंद्रजीत सिंह मल्ली, प्रेजिडेंट टैक्सेशन बार एसोसिएशन लुधियाना। असी एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जिदे विच असी इनकम टैक्स ई असैसमेंट और पेनल्टी प्रोविजन जिहड़ियां नवी प्रोविजन आईयां ने उहदे बारे एक डिस्कशन वास्ते वकीलों सारयां नूं डिस्कशन वास्ते बुलाया सी और असी दिल्ली तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील और चंडीगढ़ तो हाई कोर्ट के वकील बुलाए जिन्हां ने सैमीनार ते सानूं सारा एक्सप्लेन किया और साढ़े डायरैक्टर प्रिंसिपल डायरैक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन परनीत सचदेवा जी, उन्होंने भी आए एज ए चीफ गेस्ट, तो उन्होंने भी बार नूं एड्रेस किया है। लुधियाना से कैमरामैन हनी के साथ अरविंदर सराना की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं काव्या जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और नए समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहें आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।